हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं एक और न्यू सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ ए स्टार 8 पे। आप कौन से टीयर पे पहुंच गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, अपन उतर जाते हैं इवेंट पे, और इवेंट पे उतरने के बाद यहाँ पे धनाधन तरीके से 2 किल ज़रूर कर देते हैं अपन। और उसके बाद में जब तीसरा करने जाते हैं तो कोई और बंदा पेल देता उसको, और अपने को भी कोई और ही बंदा पेल देता। दोस्तों, उस बंदे को भी टांग अड़ानी ज़रूरी थी, वरना अपन अच्छे खासे किल्स के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ निकाल ही लेते दोस्तों। तो दोस्तों, आज के दिन जो है एक ही गेम प्ले होने वाला है, लेकिन ये आप लोगों को मतलब भाई रैंक पुशिंग के टाइम पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। जैसे कि मतलब भाई, आप लोग अगर इस मास्टर टीयर पे अटके पड़े हो, जैसे कि मैं खुद अटका पड़ा हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये चीज़ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ शेयर कर दी दोस्तों, इसीलिए आज से जो है यही स्ट्रेटजी अपन हर बार यूज़ करेंगे। जैसे कि मतलब इवेंट पे उतरे, इवेंट पे उतरने के बाद में अगर अपन दोस्तों फिनिश हो गए तो कोई सेफ लोकेशन उतरेंगे। अब दोस्तों, रही किल्स की बात, तो अगर आप भाई टॉप 10 आ जाते हो तो आप लोगों को पता ही है, अगर टॉप 10 आ गए आप तो किल्स भी ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं दोस्तों। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पे उतरा था और थर्ड जोन होने तक मैं इसी साइड में लोग दोस्तों वेट करता हूँ, ताकि जो है मतलब भाई थर्ड सर्कल बन जाए, और जब थर्ड सर्कल का जोन स्टार्ट हो तो अपन यहाँ से जोन में निकलेंगे। जैसे कि देखिए अभी, अब जब 10 सेकंड पड़े थे तो अपन थर्ड सर्कल के जोन में चल के सीधा मतलब जो कुछ भी मिडल वगैरह दिखेगा अपन उसी साइड में होल्ड करेंगे, ताकि अपन वहाँ से किल्स वगैरह उठा सके। तो जब मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ शेल्डर के यहाँ से, तो मुझे पता था आगे की साइड में जो रीच है मतलब डीप है, उस साइड में मेरे को बेस्ट कवर मिल जाएगा। तो मैं यहीं आ जाता हूँ और यहीं अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद इधर ही वेट करते काफ़ी समय। तो अब दोस्तों, बिल्कुल भी जो है आप लोगों को घुस के फाइट नहीं लेनी है। जैसे कि कोई बंदा शैक वगैरह होल्ड करके बैठा हो तो आप लोग घुस के सीधा फाइट ले ले, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर भाई ऐसी सिचुएशन बने तभी आपको मतलब ये चीज़ ट्राई करनी है। अगर आप लोगों को कोई सेफ लोकेशन मिल जाती है तो वहीं होल्ड करो। जब जब मतलब कोई बंदा आप लोगों के ऊपर पुश करे या गाड़ी आपके इधर से गुजरे, तो उससे मतलब गाड़ी को उतारने का पूरा पूरा कोशिश करो, या बंदे अगर आपसे फाइट लेते हैं तो उस बंदे को मतलब मारने का पूरा ट्राई करो। अब दोस्तों, अपने को ये चीज़ का बहुत ही फ़ायदा मिलता है अब की बार के, अपन को रिकॉल जो है अपने को रिकॉल मिल रहा है दोस्तों। तो उतर के मतलब भाई उधर ही फाइट वगैरह बिंदास लो। अगर आप लोग अच्छे किल्स निकाल लेते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा प्लस भी देखने के लिए मिलेगा। तो यही चीज़ जो है मैं हर बार यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अगर अपन मर जाते तो भाई मैं एंड तक मतलब भाई सर्वाइव करने का पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो है प्लस जो है भाई टॉप 10 में ही अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग टॉप 10 आ जाते हो दोस्तों तो आप लोगों को 18-22 तक प्लस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप लोगों के अच्छे किल्स रहे तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्लस जो है देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन पे अपने इधर भाई बार बार जोन बन रहा था, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मतलब मैं कहीं भी आगे की साइड नहीं जाता हूँ। अब उतने में ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड से भाई मुझे ग्रोजा का साउंड आता है, और यहाँ पे जब मैं स्पॉट करता तो बंदा भी स्पॉट हो जाता अपने को, तो उस बंदे को यहाँ पे टैप टैप करके तो इजीली फिनिश कर देते दोस्तों अपन। अब जोन भी जाता दोस्तों वो अपने इधर ही बन रहा था, तो मैं कहीं भी जाके किसी बंदे के ऊपर पुश वगैरह करने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जैसे कि मतलब कोई बंदा अगर अपने इधर आवे तो उस बंदे को मतलब पूरा मारने का अपन पूरा पूरा ट्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ, उतने में ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मेरे को एक गाड़ी दिखती है। तो भाई यहाँ पे देखना अभी,
अब इस बंदे को भी जो था अच्छा खासा हेडशॉट पड़ गया था और बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो अपने को यहाँ पे 5 किल तो इजीली हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करता हूँ। और जब नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होने वाला था तो जब दोस्तों 10 सेकेंड रहते मैं जब भी जाके हर बार जो है जोन के लिए निकलता हूँ, मतलब अब जैसे ही दोस्तों मैं इस लोकेशन पे आता हूँ यहाँ पे भाई एक बंदा अपने ऊपर पुश कर देता है, उसके पास DBS होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपन यहाँ पे बंदे को तो इजीली फिनिश कर देते। और उतने में ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एक बग्गी की रोटेशन आ रही थी तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे ट्राई करता हूँ स्प्रे लेने का, लेकिन यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं बंदे को। और दूसरा जो बंदा था MG3 वाला लास्ट बंदा, वो बंदा उस बंदे को पेल देता, तो मैं यहाँ पे अपनी बग्गी के ऊपर स्मोक कर देता हूँ ताकि जो है मेरे को यहाँ से जोन में निकलना था और बंदा जो है बिल्कुल भी मतलब अपने ऊपर स्प्रे वगैरह नहीं ले। तो मैं यहाँ पे अपनी MG3 रिलोड मार के सीधा निकल जाता हूँ बंदे की ओर। अब लास्ट जो बंदा था वो राइट साइड की तरफ में था, तो उस बंदे की बग्गी तो मेरे को स्पॉट हो गई थी यहाँ पे, तो मैं ट्राई करता हूँ रेंडमली स्प्रे लेने के लिए ताकि बंदा बाहर आए। अब दोस्तों जिस तरीके की गलती मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ना, आप लोग बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि मैं ओपनली यहाँ पे घुस जाता हूँ भाई बंदे के ऊपर स्प्रे लेने के लिए, अब मतलब मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं बंदे को फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे एक गलती हो जाती है अपने से कि जिस टाइम पे मैं बंदे के ऊपर स्प्रे ले रहा था दोस्तों, तो वहाँ पे मेरा हाथ जो है थोड़ा फिसल गया, तो उसकी वजह से मेरा जायरो इधर उधर हो गया दोस्तों, तो उसकी वजह से जो है अपन यहाँ पे एक चिकन नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों अपनी जो रैंकिंग अभी फिलहाल के लिए चालू है वो चालू है 4745। तो आप लोगों की रैंकिंग और आप लोगों का टीयर क्या है कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बताना, और आप लोगों को अगर ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वो चीज़ भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भाई डेली इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो दोस्तों इसी चीज़ के बदले में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।